अच्छा पार्ट है बेटा अपना कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखो इधर अच्छी तरह ध्यान दो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हमने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन यहां देखो बेडा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रियक्शन देखे ना हमने बेटा जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए साइमल्टेनियतने इलेक्ट्रॉन गेन करते बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन है आप देखो यहां सेप्ट हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू आयनिक कंपाउंड है मुझे बात बताओ सोडियम पे चार्ज प्लस है क्लोरिन पे चार्ज कितना है माइनस है अब आयनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं सर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बराबर है अब लूज करने के बाद मुझे बात बताओ चार्ज प्लस है नंबर एक है लूज करने के बाद चार्ज एंड नंबर का ही नाम क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर है गेन करने के बाद भी जो चार्ज एंड नंबर है उसी का नाम क्या है गेन करने के बाद माइनस वन क्लोरीन माइनस वन है वो ऑक्सीडेशन नंबर है वही तो ऑक्सीडेशन स्टेटे बढ़ा अब ये आयनिक कंपाउंड के लिए ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आयनिक कंपाउंड है मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड कौन सा है आयनिक बॉन्ड है मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दो पॉजिटिव चार प्लस टू चार्ज एंड नंबर इसका मतलब उन्होंने क्या दिया जब भी कोई एटम आयन के फॉर्म में जब है एटम आयन के फॉर्म में बेटा सेवा ते त्याच्यावरचा चार्ज आणि नंबर्स नंबर हेच म्हणजे काय इट्स तो ऑक्सिडेशन नंबर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है करने के बाद चार्ज प्लस नंबर एक प्लस वन दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मींस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट शोज प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर अब ये आयनिक कंपाउंड के लिए ठीक है इसलिए हमने दिया सक्सेसफुली अप्लाइड टू

आयनिक कंपाउंड बेटा बरबर है कि नहीं किती इलेक्ट्रॉन लूज के लिए किती इलेक्ट्रॉन गेन के लिए आयनिक कंपाउंड ठीक है पर कोहरेन कंपाउंड मध्य कस दाखवा मैं एक नवीन टर्म इंट्रोड्यूस बेटा नाव का है तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लियर है चले आगे अब देखो यहां उन्होंने क्या दिए वाला इट इज द्यूमरिकल वैल्यू एंड साइन ऑफ चार्ज ऑफ एन एटम वेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन न्यूमरिकल वैल्यू सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चार्ज एंड नंबर है कितना चार्ज है ये सोडियम है यहां लूज कर दिया यानी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है अब यहां इसी का नाम क्या है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर है अब देखो ये कौन से फॉर्म में आयन के फॉर्म में चलो तो यहां फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया माइनस वन है कौन से फॉर्म में आयन है क्या हुआ प्रोसेस कौनती है रिडक्शन है यहां यहाँ प्रोसेस कौन सी ऑक्सीडेशन है और जब भी कोई एटम आइन के फॉर्म में जब भी कोई एटम आइन के फॉर्म में जब है तो उसका चार्ज प्लस या माइनस एंड नंबर उसी का नाम क्या है ऑक्सीडेशन नंबर अलग है आता इत का जेव एखाद नेचुरल फॉर्म में जब है उसके एलिमेंटल फॉर्म में जब है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना कंसीडर करते तो जीरो रूल्स देने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज जीरो हाइड्रोजन को फॉर्म मध्य बेटा एच टू है ऑक्सीजन ओ टू है एलिमेंटरी फॉर्म है नैचुरैसे आला इत टू ओ टून टू सी एल टू फॉस्फरस पर मैं संगा कॉपर है एलिमेंटल फॉर्म मधे आयर्न है मेटल है मेटल सब मेटल एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर आज कितना जीरो है मुहा एग्जाम्पल है, है पहला रूल चले आगे अब सेकंड रूल क्या दिया देखो यहां इन्हें सिंगल मोनो एटॉमिक आयन एक एटम का जब आयन है तब मोनो एटॉमिक आयन क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन ये सब ठीक है अब द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज सेम एटम इज सेम एज चार्ज ऑन आयन अब मैंने अगर ये सवाल कर दिया देखो यहां ये कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये कैल्शियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आप देखो ये कौन से फॉर्म में बेटा है मोनो आयन चो में दे। मेरे पास एक एटम है एक एटम है वो भी आयन के फॉर्म में यहां क्लोराइड आयन है ये भी आयन के फॉर्म में तो मैं इत ये चार जो नंबर है जेव एखाद एटम है एखादा सिंगल एटम है जे, चा जे काही चार्ज है ने है, तेस तेस चा का नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर है अब यहां देखो कैल्शियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है टू प्लस है यहां कितना है माइनस वन है था। रूल्स। आया चलो नेक्स्ट इन ए कंपाउंड विथ नॉन मेटल अब नॉन मेटल के बारे में नॉन मेटल कोजन तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। प्लस वन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ प्लस मैं संगा एक्सीएल मध्य नॉन मेटल कोल में नॉन मेटल कौन है जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है बेटा जब भी कोई एटम हाइड्रो जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है यहां देखो है यहां देखो सल्फर है यहां देखो ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितनी है है बराबर बरबर हाइड्रोजन सर प्लस वन है क्लोरीन क्या है बराबर है पर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा मला सांगा hcl चा टोटल चार्ज किती है जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जीरो है ना मॉलिक्यूल च्या फॉर्म मध्ये अब h2s है h2s है बोलते हाइड्रोजन तो प्लस वन है तो दो हाइड्रोजन है हमारे पास तो सल्फर होगा क्लियर अच्छा चलो एच टू वाटर में हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू नहीं है प्लस वन ही है। ये दो है, इसने मैंने ये प्लस टू कर दिए और ये माइनस टू टोटल इज इक्वल टू जीरो है। मन्जे, चा आट, चा असल, ते का चा चार्ज कि ऑक्सीडेशन नंबर सग इज इवल टू जीरो है। यास। यहां एथ सी एल जीरो हाइड्रोजन प्लस वन क्लोरीन माइनस वन ये भी जीरो जीरो आता इथे बेटा नेक्स्ट बट इन मेटल हाइड्राइड सर मेटल हाइड्राइड मुझे कहा है हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल है हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन होता तो नाम क्या था मेटल हाइड्राइड है पर आता पहा इंटरेस्टिंग कसा है सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंडिंग कशा नहीं आली रे बेटा एंड कशा नहीं यस आई डी बेटा क्लियर है मे नॉन मेटल असल तो एंडिंग कैन आई तो आईडी प्युअर नॉन मेटल असल तो एंडिंग आई डी मेटल इज़ मोर द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन ट लक्ष दया इत इत लक्ष एक पार्ट है व्यवस्थित लक्ष नहीं, था था। तेरे का था नहीं आता पहा का लक्ष बेटा आता लक्ष्य आधी पर एकदा सकते पहा बट इन मेटल हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड इत पहा मेटल हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड मैग्नेशियम हाइड्राइड आता एक ऑब्जर्व करा ऑब्जर्व करा लिथियम को बेटा फर्स्ट ग्रुप मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए तो हाइड्राइड बन गए ये भी फर्स्ट ग्रुप है लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड अब आगे कैल्शियम मैग्नेशियम हा कोत्या ग्रुप मध्य यस वैष्णवी सेकंड ग्रुप में अरे सरल बनाना फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट या सेकंड ग्रुप एलिमेंट जब कंबाइन होते किसके साथ हाइड्रोजन के साथ तो मैंने नाम ही बदल दिया हाइड्राइड अब जब हाइड्राइड नाम आता है तो मुझे बात होता हाइड्रोजन पे चार्ज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बराबर है माइनस है अरे क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम आयोडाइड क्लोराइड माइनस वन ब्रोमाइड माइनस वन कार्बन डाय सल्फाइड सल्फाइड आया ऑक्साइड आया नाइट्राइड आया ठीक है वैसे ही, वैसे ही, सही ध्यान अब तो मला संगा या लिथियम हाइड्राइड मध्ये लिथियम चे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है हाइड्रोजन बराबर है अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन का चार्ज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा पक्का है आलन बेटा इतना मग मला या माला या संगा ये कैल्शियम हाइड्राइड मध्य कैल्सियम ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है एंड हाइड्रोजन माइनस टू नहीं माइनस वन ही है माइनस वन ही दो है इसलिए माइनस टू है प्लस टू माइनस टू है आईसा रूल क्लियर एनी प्रॉब्लम हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन स्टेट देता है जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद प्लस वन है लेकिन जब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के बाद सर वो तो माइनस देता है माइनस वन है चलो नेक्स्ट यहां देखो ऑक्सीजन हैज बीन असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू इन इट्स कंपाउंड पार ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर अपन माइनस टू है H2O ओ यहां देखो चलो H2O ओ चलो यहां देखो एन ए टू यहां देखो एम जी ओ आए? क्या बोलते सर ये तो माइनस टू है ये प्लस टू है क्लियर है अली सोडियम सोडियम तो प्लस है ऑक्सीजन माइनस टू है दो सोडियम इसलिए प्लस डबल प्लस है पर हा कोणत्या फॉर्म मध्ये बेटा ये कौन से फॉर्म में यहां मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू राइट right है जीरो अब यहां वो तो माइनस टू देता है कंपाउंड में लेकिन लेकिन हाउर देर आर सर्टन एक्सेप्शन ऑल्सो जब हमारा ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड जब फॉर्म में दे बेटा ऑक्सीजन जो हुआ पराक्साइड का फॉर्म में दे त्यौहार लक्षण थे वहाँ अत इधर एग्जाम्पल है ऑक्सी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी माइनस टू तो तर आए से माइनस टू के अलावा माइनस वन है माइनस वन कब है वन पराक्साइड याद देखो सोडियम पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड सोडियम पर ऑक्साइड अरे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है बराबर है कॉक्साइड पर ऑक्साइड लक्ष देवा लक्ष देवा हाँ महा बेटा हाइड्रोजन चला हाइड्रोजन ठीक है यहाँ चला इत चा हाइड्रोजन ऐसी लिये एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है छे इलेक्ट्रॉन है यहाँ है ये यह छे इलेक्ट्रॉन होगा कोहल बॉन्ड है। आता हा जर हाइड्रोजन हाँ, पोरॉक्साइड है मला संगा या हाइड्रोजन पोरॉक्साइड मध्य हाइड्रोजन वर चार्ज कि चार्ज कि मग मला सांगा एच टू ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे अरे मॉलिक्यूल च्या फॉर्म मध्ये आहे बेटा मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड च्या फॉर्म मध्ये ते मग हे प्लस वन ये प्लस वन तो ये माइनस वन हो गया ठीक है तो माइनस टू के अलावा माइनस वन देता है जब वो परऑक्साइड के फॉर्म में ठीक है थीके? और एक पीरॉडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोन निगेटिव एलिमेंट कौन है दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोन निगेटिव एलिमेंट कौन है फ्लोरीन है आप मुझे बात बताओ जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो फ्लोरीन तो हमेशा वन है फ्लोरीन हमेशा माइनस वन नंबर देता है अपन मन तो न फैमिली का प्रॉब्लम है ना फैमिली मधे टॉपर आते टॉपर प्रॉब्लम मध्य फ्लोरिन ऑक्सीजन हेलो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन बराबर अर्थ फैमिली जन आदि लागू न करे विचार करते हैं ना वो फ्लोरिन जो है ना वो लेने का है सोचता देता तो कभी नहीं बराबर है ना हमेशा लास्ट ईयर में सात इलेक्ट्रॉन है एक लेता है तो मुझे बात बताओ यहां अब ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में मुझे बात वो तो ऑक्सीजन माइनस वन है ऐसे दो ऑक्सीजन है हा सही है और ये कितना आएगा फिर तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ तो फ्लोरिन बराबर है जब वो ऑक्सीजन फ्लोरिन के साथ कंबाइन होने के बाद मुझे बात बता यहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस टू है क्लियर है अगेन यहां देखो ये डायऑक्सीजन डायफ्लोराइड अब बोलो डायऑक्सीजन डायफ्लोराइड गोइंदा कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है ऑक्सीजन सा याचं तर टोटल मायनस टू आहे हे टोटल प्लस टू आहे तो अरे मग सांग ना नाव घे ना नाव घेता येते का होईन ना घेता येते बरं घे तू तुझंच घे मग आता मला सांगा बेटा ऑक्सीजन कौन से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है माइनस टू तो देने वाला है कोरोक्साइड के फॉर्म में जब है तो है माइनस वन है पक्का एंड फ्लोरिन के साथ कंबाइन होने के बाद प्लस टू एंड कौन सा है प्लस वन भी देता ऑक्सीजन शोज चार चार देते ऑक्सीडेशन स्टेट से चलो नेक्स्ट इन ए कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर वाइल दी नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर पहले पाला एक्साम्पलट अपन है ना मैं संगा एन ए सी एल ए मेटल नॉन मेटल है बोला. सोडियम और चार्ज कितनी है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन, मेटल नॉन मेटल एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना ये माइनस वन है ऐसे तीन है इसलिए माइनस थ्री है तो एल्यूमिनियम कितना आने वाला है पक्का चले आगे यस श्योर इन ए कंपाउंड इन कंपाउंड इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन मेटालिक एटम्स दो नॉन मेटालिक दो नॉन मेटालिक दाइयर इलेक्ट्रोन निगेटिविटी इज असाइन निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑदर एटम गिवन इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर लक्ष दे आय कन्सिडर करोजन क्लोरिंग हाइड्रोजन नॉन मेटल है क्लोरिन पॉन मेटल है बेटा आता दोन मेटल कंबाइन hcl फॉर्म हुआ अब दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है मुझे बात बता हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है यस तो क्लोरीन इज मोर निगेटिव क्लोरीन क्या है मोर निगेटिव तो उन्होंने वही दिया हाइयर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस वन है मंजे जेवा दोन नॉन मेटल कंबाइन होते कंबाइन जार बेटा जे मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है जो एटम मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो काय दाखो तो, तो माइनस व माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दाखो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देता है फिर यहां हाइड्रोजन क्लियर बरेका देखो इन एन एस थ्री एन एस थ्री में देखो यहाँ एनएस थ्री मध्य पहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज अरे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मध्य मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मध्य मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रो है तो वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देता पहा न इतन एच एच ये, ये, ये माइनस थ्री ये प्लस वन प्लस वन और यहां प्लस वन धारा कड़ा चलो आगे वहा इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मध्य बना द तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज जीरो आता संगित बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल मे को तुम्हारा एन ई सी एल घया एच सी एल जेवड़े कंपाउंड अपन घे आतापर्यंत सगले का न्यूट्रल है, है? एच

न्यूट्रल फॉर्म मे न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म मध्य हुआ NaCl क्या है Na plus Cl minus अब कोई बोला नहीं सर यहाँ H2SO4 में साहब सर अभी H2SO4 तो इधर स्ट्रक्चर काट दोगे H डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड ठीक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर मध्ये मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव को ऑक्सीजन है बेटा मैं संगा ऑक्सीजन ऑक्सिडेशन स्टेट मैनस टू है कि ऑक्सीजन है बेटा चार है चार तो तो टोटल किती झाले माइनस एट है अब हाइड्रोजन तो प्लस वन है उसके कंपेरिजन में वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बरबर है आता मला संगा सगे एडिशन जर जीरो न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो सल्फर का ही सल्फर का चार्ज प्लस आएगा या माइनस आएगा यहां देखो एच टू फोर है ये माइनस एट है प्लस टू है तो सल्फर प्लस सिक्स है मींस जब हाइड्रोजन एंड सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होते हैं तब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बेटा सारा क्लियर चलो और ये बेस्ट है या देखो इन कॉम्प्लेक्स या पॉली एटॉमिक आयन ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स की पॉली एटॉमिक आयन एक आ, आ, एक पेक्षा जो जास्त एटम है न आयन है क्या क्यों आयन पॉली कीटोमिक the sum of the oxidation number of all the elements uh, of all the atoms in iron is equal to net charge on iron net charge on iron pa it pa सल्फेट आयन है वाह मैं संगा सल्फेट आयन वर चार्ज कि बढ़ाई चालला दोन एटम आहेत बेटा पॉलीएटॉमिक आयन आहे मापा पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक आयन मध्ये काय दिलेले पहा नेट चार्ज ऑन ऑफन आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द आयन इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन मला सांगा मी जर असा न्यूट्रल कंपाउंड जर घेतला आणि तुम्हाला विचारलं या न्यूट्रल कंपाउंडचा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किती आहे नेट चार्ज किए तो तुम्हें का संग बेटा जीरो है पॉली एनायनिक कंपाउंड जे या केस मध्य अच्छा नेट चार्ज किए बेटा अगर इनका नेट चार्ज जीरो है तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो उसका नेट चार्ज या केस मधे ये चार्ज है तो काय है हाँ नेट चार्ज है बेटा मनु ये तो काय दिले नहीं कि इन पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स या सगलेंच सम बेटा एडिशन कितनी ये माइनस टू ये जे चावर जेकई चार्ज है ये बेटा जैसे यहां कार्बोनेट बोलो कितना चार्ज है नेट चार्ज यहां चलो और कौन सा है एनओ थ्री माइनस नेट चार्ज कितनी है हुआ क्लियर लक्ष्य बेटा ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन आता स्टेट एखाद्याचं आपण म्हणतो की ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर किती म्हणजेच काय त्याचा काय झाला तो ऑक्सिडेशन स्टेट एक्झाम्पल इन एच टू द ऑक्सिडेशन नंबर ऍज वेल एस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन किती आहे